नमस्कार दोस्तों, सोनू कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दो वीडियो में हमने कैलकुलेशन के पार्ट देख लिए थे, आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट नंबर 3। अगर आपने उन दोनों पार्टों को नहीं देखा तो आप जरूर से इनको देख लीजिए। अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा इन दोनों वीडियो को पार्टों को देखने के बाद ही आप तीसरा पार्ट देखें। तो आज हम देख रहे हैं 5, 25 और 125 का गुणा और भाग करना। कोई भी संख्या आपको दी हुई है तो उसको 5 से किस प्रकार से गुणा करना है, 25 से और 125 से, इसकी आज आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो देखते हैं, पहले हम देखते हैं 5 का किसी संख्या से गुणा। 5 का गुणा देख रहे हैं, कोई भी संख्या आपको दी हुई है उसको 5 से गुणा करना है। पहले देखेंगे हम सम संख्या, आपको जैसे 48 दिया हुआ है इसको अगर 5 से गुणा करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा जल्दी से, आपको विद इन 2 सेकंड में आप इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो। तो 48 को 5 से गुणा करने के लिए पहले आपको बेसिक बता रहा हूं मैं, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 10/2। 5 को हम 10/2 भी लिख सकते हैं 48 को। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया, इसको 2 का 48 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 24, ये 0 आगे इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये हो गया, अगर किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना है तो उस संख्या का आधा करके हम 0 लगा देंगे। तो 24 का आधा कितना होता है, सॉरी 48 का आधा कितना होता है 24, तो 24 के आगे एक 0 लगा देंगे। कब लगाना है, संख्या सम दी हुई हो, आपको कोई भी संख्या हो 2 अंकों की 3 अंकों की, आपको क्या करना है 5 से गुणा करना है, तो डायरेक्ट आप उस संख्या का डबल कर दो और 0 लगा दो। जैसे ये 72 है, इसको 5 से गुणा करना है तो इस संख्या का क्या करना है आधा कर दो आप, कितना आ गया 36, 72 का 0 लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार जैसे आपको 64 दिया हुआ है, इसको 5 से गुणा करना है, 64 का आधा कितना होता है 32, इसको 0 लगा दो, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक। तो 1 सेकंड में इसका आंसर आ रहा है। कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे मैं ले लेता हूं 180 को 5 से, ये तो सरल हो गया, वैसे ही आ जाएगा 900। कोई भी संख्या जैसे आप 234 ले लो, इसको 5 से गुणा करना है, इसका आधा कर दो, कितना होता है 234 का आधा 170, सर 117 और 0 लगा दो, कितना आ जाएगा 117, 1170 इसका आंसर आ जाएगा। तो 5 से गुणा करना है, अगर सम संख्या दी है तो डायरेक्ट उस संख्या का आधा करके एक आप 0 लगा देना। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर विषम संख्या दी हुई है, अगर आपको विषम संख्या दी हुई है तो किस प्रकार से करोगे, जैसे आप 48 ये भी सम दिया हुआ, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, सभी संख्या सम दी हुई है। अगर आपको विषम संख्या दी हुई हो, जैसे आपको 45 दिया हुआ है, इसको 5 से गुणा करना है, तो 45 क्या है विषम संख्या है, इसको 5 से गुणा करने के लिए 45 के जस्ट पिछली वाली सम संख्या कौन सी आएगी, वो आएगी 44। तो 44 का क्या करना है आधा कर देना है, कितना आएगा 22 और 5 लगा देना है आगे। विषम संख्या दी हुई हो तो उसके पहले वाली जो भी सम संख्या है उसका आधा करना है, कितना आएगा 22। 44 45 के पहले भी सम संख्या कितनी है 44, इसका आधा कर दिया, कितना आया 22 और 5 लगा दिया डायरेक्ट। कोई भी संख्या देख लो आप, जैसे 71 है, इसको 5 से गुणा करना है, 71 के पहले कितनी आती है सम संख्या 70, 70 का आधा कितना हो गया 35, लास्ट में 5 लगा देना आपको, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 25 का गुणा करना। 25 का गुणा कब, जब आपको सम संख्या दी हुई है, जैसे आप कोई भी संख्या दी हुई है 68 दिया हुआ है, इसको आपको 25 से गुणा करना है 2 सेकंड में, तो वो ये पहले बेसिक बताऊंगा मैं आपको। 68 को 25 को किस प्रकार से लिखते हैं 100/4, इस प्रकार से भी मैं इसको लिख सकता हूं 68 गुणा 25 को 68 गुणा 100/4, तो हम 68 में 4 का भाग देने पर कितना आ जाएगा 17 और 0 कितनी आएगी 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1700, यह आपका बेसिक हो गया। ये ट्रिक किस प्रकार से बन रही है भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं, 68 में 4 का भाग दिया कितना आएगा 17 और 2 0 लगानी है, 5 के गुणा करने पर कितना लगा रहे थे हम 1 0, क्योंकि वहां पे 10/2 लिख रहे थे, यहाँ पे
डबल जीरो आएगी। तो डायरेक्ट शॉर्टकट क्या हो गया, किसी भी संख्या को अगर 25 से गुणा करना है तो उसमें 4 का भाग दे दो आप और दो जीरो लगा दो। जैसे ये है 32, इसको 25 से गुणा करना है तो 32 में 4 का भाग देने पर कितना आ जाएगा, 8 और दो जीरो लगा दिया तो 32 गुणा 25 कितना आ जाएगा, 800। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे बड़ी संख्या का भी बता देता हूं आपको, 632 को 5 से गुणा करना है, 25 से गुणा करना है तो क्या करना है, 632 में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने पर कितना आ जाएगा, जैसे 632 को 25 से गुणा करना है तो 632 में हम 4 का भाग दे देंगे और डायरेक्ट दो जीरो लगा देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 158। 632 में 4 का गुणा भाग देने पर 158 आंसर आ जाएगा और आंसर के आगे दो जीरो लगा देना तो ये कितना आंसर आ गया, 15800 आपका आंसर आ गया। तो सम संख्या दी हुई और 25 से गुणा करना हो तो आपको उसमें 4 का भाग लगा करके दो जीरो लगा देनी है। अब देखते हैं हम, अगर आपको विषम संख्या दी हुई हो, अगर विषम संख्या दी हुई हो और अगर 25 का गुणा करना हो, जैसे नेक्स्ट देखते हैं 25 को विषम संख्या दी हुई है तो 25 का गुणा करना, जैसे आपको 39 दिया हुआ है इसको 25 से गुणा करना है तो इसकी ट्रिक ये है, आपको 39 में 4 का भाग देना है, जितने पर भाग जा रहा है वो संख्या आपको लिखनी है तो 4 का 39 में जाने पर 9 पर पूरा पूरा 36 तक भाग पूरा पूरा जाता है तो कितने पर गया, 9 पर, शेष पर कितना बच गया, 3। तो जितना शेष पर बचता है उतना हमें 25 का पड़ा बोलना है तो कितना बच, 25 का पड़ा 3 पर बोलने पर कितना आ जाएगा, 75, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी संख्या देखते हैं, जैसे 47 दिया हुआ है इसको 25 से गुणा करना है तो 47 में 4 का भाग देंगे, पहले 4 का कितने पर जा रहा है पूरा पूरा 11 पर, 11 चौक 44 होता है, 4 पर पूरा पूरा चल गया, कितना पर शेष पर बच गया, 3, 44 और शेष पर कितना बच गया, 3, तो 25 का पड़ा हम 3 पर बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। तो ये 1175 47 को 25 से गुणा करने पर आपका आंसर आ गया। और देख लेते हैं कोई भी संख्या, जैसे 34 दिया हुआ है इसको 25 से गुणा करना है तो 4 का पूरा पूरा भाग कितने पर जा रहा है, 8 पर, तो ये 8 आ गया, शेष पर कितना बच गया, 2, तो 25 का पड़ा 2 पर बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आपका। अब तक हमने 5 और 25 का गुणा करना देख लिया था, अब नेक्स्ट हमारा कौन सा बच गया, 125 का गुणा। तो हम देखते हैं 125 का गुणा करना कब, जब सम संख्या दी हुई है, जब आपको सम संख्या दी हुई है और 125 का गुणा करना है। जैसे आपको कोई संख्या दी हुई है 56, इसको आपको 125 से गुणा करना है तो पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा। 125 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 56 गुणा 1000 भाग 8। 125 को मैं 1000 बटा 8 लिख सकता हूं तो अब क्या करना है, 56 में 8 का भाग देना है तो कितनी बार जा रहा है, 8 का 7 बार और कितनी जीरो लगानी है, 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7000। तो इसमें हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, अगर 5 का अपन 5 का गुणा कर रहे हैं तब तो एक जीरो लगा रहे हैं और 25 का कर रहे हैं तब दो जीरो और 125 का कर रहे हैं तब 3 जीरो। आपको जो भी आंसर भाग देने के बाद में आएगा उसको 3 जीरो लगा देनी है, ये आपका बेसिक हो गया। इसका हम एक दो एग्जांपल देखते हैं जल्दी से गुणा करने का। जैसे 72 है, 72 दिया हुआ है, इसको 125 से गुणा करना है तो 8 का भाग देना, 8 का भाग कितनी बार जा रहा है, 9 बार और जीरो कितने लगानी है, 3, ये 3 जीरो 9 जाए इसका आंसर आ गया। 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वरना क्या करोगे आप, इसको गुणा करने में टाइम लग जाएगा। तो ये सॉल्व ट्रिक आपको जो भी दो पार्ट आ गए मेरे वो आप अच्छे तरीके से देख लो, इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से ताकि आप जल्दी से जल्दी इनको गुणा भाग करना सीख जाओ। अब मैं आपको एक बड़ी संख्या उदाहरण भी बता देता हूँ, तीन अंकों की संख्या को भी हम गुणा कर सकते हैं। जैसे 136 को 125 से गुणा करना है तो पहले क्या करेंगे, 136 में 8 का कितना पूरा पूरा भाग जा रहा है वो देखना है, 8 का 136 में जा रहा है 17 बार, फिर क्या करना है, 125 के लिए 3 जीरो, तो ये आंसर आ जाएगा।
एक और देख लेते हैं, 88 के अंदर आपको 125 को गुणा करना है 88 को, तो कितने पर जा रहा है इसमें 8 का भाग 11 पर, कितना जीरो लगाना है 3, 11 जा रहा है आंसर। आपको देखते ही मतलब 125 का गुणा करना है सम संख्या को, तो देखते ही आपको उसमें 8 का भाग लगा देना और 3 जीरो लगा देनी है। 88 है, इसके अंदर 8 का 11 पर जा रहा है, 3 जीरो लगा दिया। 72 जो बेहतर है इसमें 8 का दिया कितने पर, 9 पर, 3 जीरो लगा दिया। 56 है, इसमें 8 का कितने पर जा रहे हैं, 9 पर, 3 जीरो लगा दो इसमें। मतलब 125 का जब भी गुणा करना हो सम संख्या का तो उसमें 8 का भाग देकर के आप डायरेक्ट 3 जीरो लगा देना। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर आपको विषम संख्या दी हुई है, ये तो क्या थी आपकी सम संख्या दी हुई, अगर 125 को गुणा करना है जब विषम संख्या दी हुई है। चलो फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे विषम संख्या ले ली मैंने 37, इसको गुणा करना है 125 से, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 125 का विषम संख्या से गुणा करना है, गुणा करना हो तो 8 का भाग देना है। 8 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 8 का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, 8 चौक 32, शेषफल कितना बच गया, शेषफल बच गया 5, तो जितना शेषफल बचता है उसमें आपको 12.5 का फाड़ा बोलना है, 12.5 का फाड़ा आपको 5 पर बोलना है, 12.5 का फाड़ा हम 5 पर बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 62.5। लेकिन आपको ये पॉइंट नहीं लगाना क्योंकि मैंने बताया था आपको 1000 से गुणा करना है, तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 4625। मैंने आपको पहले दिन बता दिया था आपको 12.5 का फाड़ा इंपोर्टेंस, आपको इसमें पता चल रही होगी कि शेष पर 5 बचते, अगर आपको 12.5 का फाड़ा आ रहा है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो, अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको वही तरीका लगाओगे अपना पुराना मेथड। तो मैं आपको पहले बता दिया था आपको एक 40 तक स्क्वायर याद करने है, 12.5 का फाड़ा करना है याद, और जो पहाड़े है टेबल 1 से 30 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए, क्यूब है 1 से 25 तक, 1 से 25 तक आपको क्यूब रूट याद होना चाहिए। तो ये जो बेसिक्स बातें मैंने पार्ट वीडियो फर्स्ट में बताई थी आप उसको आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे 43 को गुणा करना है किससे, 125 से, 43 भी हमारी क्या है विषम संख्या, तो 43 को 25 से गुणा करना है तो 8 का हम भाग देंगे, 8 का भाग कितनी बार जा रहा है, पूरा पूरा 5 बार, कितनी बार गया 5 बार, शेषफल कितना बच गया, शेषफल बच गया 3, 40 तक तो पूरा पूरा चला गया, शेषफल 3 बच गया, तो आपको 12.5 का फाड़ा वही आपको याद होना चाहिए, 12.5 का फाड़ा 3 पर बोलते हो तो कितना आता है 37.5, ये पॉइंट आपको नहीं लगाना है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 5375। विषम संख्या दी हुई हो तो आपको 8 का भाग देना है, जो शेषफल आ रहा है किसके लिए, 125 के लिए, तो आपको 12.5 का फाड़ा बोलना है, 25 वाले में किसका फाड़ा बोलना है, डायरेक्ट 25 का ही बोलना है, तो ये हमारा हो गया 125 का सम संख्या से और विषम संख्या से गुणा करना। अब हम देखते हैं भाग, गुणा तो हमने देख लिया था, तो पहले हम करते हैं 5 का भाग, किसी भी संख्या में 5 का भाग देते हैं तो देखते हैं किस प्रकार से आंसर आता है। जैसे कोई संख्या आपको दी हुई है 44, इसमें आपको 5 का भाग देना है, तो बेसिक बता रहा हूं पहले, 5 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 44 10 इंटू 2, 44 को हम, इस 5 को हम 10 भाग 2 भी लिख सकते हैं, तो 44 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 88, कितना है 10 है, तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो 44 को 5 से भाग देने पर कितना आंसर आ जाएगा 8.8। तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट क्या होगा, डायरेक्ट शॉर्टकट होगा 44 का हमको डबल करके एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपको सम और विषम संख्या से कोई लेना देना नहीं है, आप ये सम संख्या दी हुई है, मैं कोई विषम संख्या का लेके भी आपको बता देता हूँ, जैसे ये 53 है, इसका इसके अंदर आपको 5 का भाग देना है, तो 53 का 53 का डबल कितना होता है 106, कितनी संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है, एक संख्या के बाद में, तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लग गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे
चौहत्तर है, इसमें पांच का भाग लगाना है, तो चौहत्तर का डबल कितना होता है 148। एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा दिया, तो देखिए आप कितनी जल्दी आपके सामने यह आंसर आ रहा है। जैसे तीन संख्या का एग्जाम्पल भी आपको लेके बता देता हूं, 132 में 132 दिया हुआ है, इसमें आपको पांच का भाग देना है, कितनी जल्दी आंसर आएगा देखना। 132 का डबल कितना होता है 264। एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा दिया, 26.4 आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप देखना कितने जल्दी आप इस आपके सामने ये आंसर आ रहे हैं। ये आपको शॉर्ट ट्रिक जितनी सी, ये जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इसके आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, तभी आप इसको कर पाओगे। अब हम देखते हैं 25 का भाग देना, 5 का भाग देना हो तो क्या करना है आपको, संख्या को डबल करके एक संख्या के बाद में जीरो लगा देना है, सॉरी एक संख्या के बाद में आपको पॉइंट लगा देना है। हम देख रहे हैं 25 का भाग, तो कोई आपको संख्या एक दी हुई है? एग्जाम्पल के थ्रू इसको बता देता हूं। जैसे 17 में आपको 25 का भाग देना है, तो इन 25 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, बेसिक बता रहा हूं। पहले 17 को हम लिख सकते हैं 17 गुणा 100 और 4, गुणा में 4, तो हम 17 बट्टा 25 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, 17 को 4 से गुणा करना है, 17 को 4 से गुणा करने पर कितना आ गया 68। नीचे क्या दिया हुआ है 100, तो 68 के बाद में दो संख्याओं के बाद में आपको पॉइंट लगाना है, तो कितना आंसर आ जाएगा 17 में 25 का भाग देने पर 0.68। डायरेक्ट आपको 25 का भाग देना हो तो दो संख्याओं के बाद में पॉइंट लगा देना है, अगर 5 का देना हो तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देना है। गुणा कितनी बार करना है, 5 को 2 बार करना है, मतलब 5 का डबल करके एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देना है, और 25 का अगर भाग देना हो तो उस संख्या को 4 से गुणा करना है, और पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद में लगाना है, दो संख्याओं के बाद में आपको पॉइंट लगाना है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 19 है, इसमें अगर 25 का भाग देना हो तो 19 को 4 से गुणा किया पहले तो कितना आ जाएगा 76। पॉइंट कितने संख्या के बाद में लगाना है, दो के, तो ये दो संख्या इसके बाद में मैंने पॉइंट लगा दिया, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.76। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, सम या विषम संख्या, कोई भी इसमें वो मैटर नहीं कर रहा है कि आप कौन सी भी संख्या लो, आप सम भी ले सकते हो विषम भी। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 24/25, कितना गुणा करना है 24 को 4 गुना, 24 का 4 गुना कितना हो जाएगा 96। पॉइंट कितने संख्या के बाद में लगाना है, दो के, डायरेक्ट दो। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया उसमें ये संख्या 25 से कम आ रही थी, जैसे 19 है 25 से कम है, ये भी 25 से कम है। अब मैं आपको एक संख्या का एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो 25 से बड़ी हो, जैसे 30 है, इसमें आपको 25 से भाग देना है, तो 30 क्या है 25 से बड़ी, तो इसमें भी वही ट्रिक लगानी है आपको, क्या करना है इस संख्या का 4 गुना करना है, 30 का 4 गुना कितना हो जाएगा 120। और हमारा रूल क्या कहता था, दो संख्याओं के बाद में आपको पॉइंट लगाना है, तो दो संख्या, ये दो संख्या इसके बाद में पॉइंट लगा दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.20। अब मैं आपको तीन संख्या का एग्जाम्पल लेके हुए बता रहा हूं, जैसे एक संख्या दी हुई है आपको 112, इसमें आपको 25 का भाग देना है, तो 112 का आपको क्या करना है पहले 4 गुना, तो 112 को 4 गुना करने पर कितना आ जाएगा 448। रूल क्या कहता था, 25 का 4 गुना करने के बाद में दो संख्याओं के बाद में आपको पॉइंट लगाना है, तो दो संख्याओं के बाद में आपको पॉइंट लग जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 4.48। तो 5 का भी भाग देख लिया, 25 का भी देख लिया, और 125 का रह गया भाग, तो इसको आपको होमवर्क है, ये आपका आज का होमवर्क है, आपको इसी प्रकार से जो बेसिक बताए थे मैंने कि क्या करना है, 125 को आपको बेसिक बता देता हूँ किस प्रकार से लिख सकते हैं। 125 को हम गुणा 1000/8 लिख सकते हैं, 125 को 1000/8 भी लिख सकते हैं। तो आपको कोई भी संख्या लेनी है उसको प्रैक्टिकल करके देखना है कि
1000 बटे 8 करने पर आंसर क्या आता है। तो नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में मैं आपको इससे भी अलग, इससे भी बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स बताऊंगा। जैसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक होगी 125 को 135 से गुणा करना, ठीक है, 75 को 65 से गुणा करना, ये भी क्या है, पांच वाले रूल में आएगी। तो इस प्रकार की संख्याओं को गुणा करना, और हमारा होगा जो 11 का गुणा करने का नियम है, 11 को किसी भी संख्या को 111 से गुणा करना। और एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको जो बाध्यकता के नियम है वो भी आप सभी एग्जाम्स में आजकल पूछते हैं, तो वो बेसिक है, वो भी आपको आना चाहिए कि किस संख्या में किस संख्या का भाग जा रहा है, गुणा जा रहा है, इसके लिए आपको बाध्यकता के नियम भी आने चाहिए। तो बाध्यकता के नियम 111 का नियम वाला, 5 का गुणा का नियम जिसमें आखिरी की संख्या 5 दी हुई हो, इस प्रकार संख्या जिसमें आपको ये गुणा करना बताऊंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपने इसके पिछले दो वीडियो नहीं देखे हैं वो भी आप जरूर देखिए।